चेक कर सकते हैं क्योंकि वो अपना पूरा डिटेल देते हैं अपने इलेक्शन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आज हम पढ़ेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स पोलिंग यानी वोटिंग डालना और उसके बाद में काउंटिंग होता है फाइनली हम देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है उसकी पूरी काउंटिंग होती है द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे वैन द वोटर कास्ट और पोल देअर वोट सबसे फाइनल डेट में क्या होता है कि वोटर्स अपना वोट देते हैं इलेक्शन डे जिस दिन वोटिंग होता है उसे हम कहते हैं इलेक्शन डे एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजली इन लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस हर आदमी जिसका लिस्ट में नाम होता है वोटर तो लिस्ट में नाम होता है वो अपने पास के पोलिंग बूथ में जा सकता है और वहाँ के लोकल स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में वो वोटिंग कर सकता है वंस द वोटर गोज इन साइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिफाई हर एक बार जब वोटर बूथ में जाता है तो इलेक्शन ऑफिसर उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये वही पर्सन है या दूसरा है उसकी आइडेंटिटी प्रूफ से चेक करता है उसे पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट उनके फिंगर पे एक मार्क लगाता है और उन्हें अलाउ करता है कि आप वोट कर सकते हैं एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड अ पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन अ फेयर वे और एजेंट्स बैठते हैं उनके पीछे हर पार्टी के एजेंट्स होते हैं एक एक और वो डिसाइड करते हैं कि वोटिंग सही हो रहा है या नहीं हो रहा है गलत तो नहीं हो रहा तो ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपने इलेक्शंस के टाइम में अपने मम्मी पापा के साथ में गए होंगे तो तो ये एक अच्छा एग्जांपल है आप उसको रियल लाइफ में भी चेक करिएगा जब भी इलेक्शन हो तो हम जो पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिकली आपको देखने के लिए मौका मिलेगा नेक्स्ट चीज इसमें बताया गया कि आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री क्या इलेक्शन कंट्री के लिए बहुत एक्सपेंसिव होते हैं खर्च लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया बहुत ज्यादा पैसा लगता है इलेक्शन इंडिया में करने के लिए फॉर इंस्टेंस अबाउट रुपीजेंड्री हंड्रेड करोड़ लोकसभा पर एग्जाम्पल दिया है की गवर्नमेंट ने लोकसभा इलेक्शन कराने के लिए टू थाउजेंड फोर में थर्टीन हंड्रेड करोड़ रुपीज लगाए थे दैट वर्स आउट टू अबाउट रूपीज ट्वेंटी पर पर्सन ऑन दोटर लिस्ट और उससे अगर एक एवरेज लगाएं तो एक पर पर्सन ट्वेंटी रुपीज है वो द अमाउंट स्पेंड बाय अ पार्टीज एंड कैंडिडेट हु कैंडिडेट वाज मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड और जो अमाउंट पार्टीज लगाती हैं और कैंडिडेट लगाते हैं उससे ज्यादा गवर्नमेंट लगाती है रफली स्पीकिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय गवर्नमेंट पार्टीज एंड कैंडिडेट वॉज अराउंड रुपीज थ्री थाउजेंड करोड़ और रुपीज फिफ्टी पर वोटर्स और एक रफली एक्सप एक्सपेंडिचर हम लगाए खर्चा लगाए गवर्नमेंट का पार्टीज का और कैंडिडेट का तो वो थ्री थाउजेंड करोड़ तक लगा लेते हैं और वो पर वोटर फिफ्टी रुपीज होता है सम पीपल पीपल से दैट आर बर्डन और कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन लोगों के ऊपर बोझ है दैट अवर पुअर कंट्री कैनोट एफोर्ड टू होल्ड इलेक्शन वंस एवरी फाइव ईयर तो हमारी जो कंट्री गरीब है वो इसको एक बार भी कराने में सहमर्थ नहीं है लेट अस कंपेयर दिस एक्सपेंडिचर विद सम अदर फिगर्स इनको कुछ दूसरे डाटा से या फिगर्स से हम चेक करते हैं इन 2005 थाउजेंड फाइव अवर गवर्नमेंट टू बाय सिक्स न्यूक्लियर समरीन फ्रॉम फ्रांस टू में हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिक्स न्यूक्लियर समरीन खरीदेंगी फ्रांस से ईच समरीन कॉस्ट अबाउट रुपीज थ्री करोड़ और हर एक समरीन हजार करोड़ की है दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम इन टू थाउजेंड टेनिमेट फॉर इट्स कॉस्ट इज मोर देन थाउजेंड करोड़ दिल्ली ने एक कॉमनवेल्थ गेम्स करवाया था दो हजार दस में और इसने कॉस्ट लगाया था करोड़ आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव यू डिसाइड क्या इलेक्शन इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है आप डिसाइड करिए तो डाटा को हम कंपेयर करके समझ सकते हैं कि क्या क्या एक्सपेंसिव है क्या नहीं एक्सपेंसिव है इसमें इलेक्शन रिजल्ट बता रखा है गुलबर्ग का लेटस गो बैक टू अवर एग्जांपल ऑफ गुलर टोटल ऑफ 11 कैंडिडेट इन 2004 में 11 कैंडिडेट का इलेक्शन हुआ था टोटल एलिजिबल वोटर्स पॉइंट थ्री नाइन लैक्स ऑफ दीज एट पॉइंट टू एट लैक्स वोटर है उसमें से एट लाख के आसपास वोटिंग uh, किया द कैंडिडेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इकबाल अहमद की सिक्योर अबाउट थ्री पॉइंट वन टू लैख वोट्स। इनके कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के इकबाल अहमद ने बस की नाम है उनका थ्री पॉइंट वन टू लैख वोट्स गेन किए दिस वाज़ ओनली अबाउट थर्टी एट परसेंट ऑफ द टोटल वोट पोल्ड ये टोटल वोट का थर्टी एट परसेंट ही है But since he had secured more than, more votes than than votes anyone else बट सिंस ही दूसरे वोटर से ज्यादा वोट किया डिक्लेयर कर दिया कि यह मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बन गए हैं गुलबर्ग के लोकसभा constituency से नीचे आप देख सकते हैं इनका पूरा रिजल्ट दे रखा है कैसे है पार्टीज वाइज आप इसको चेक कर सकते हैं What is the percentage of इज who ऑफ वोटर कास्ट their votes तो ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि कितने कितना परसेंटेज रहा है जिन्होंने वोट किया है तो विन इलेक्शन इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू सिक्योर मोर देन हाफ द वोट्स दोल्ड और इलेक्शन जीतने के लिए आपको लगभग आधे से ज्यादा वोट जीतना जरूरी है तभी आपको विनिंग पोजिशन मिलेगी अर्लियर वोटर्स यूज टू इंडिकेट हु दे टू वोट फॉर हुई पुटिंग अ स्टैंप ऑन द बैलेट पेपर अर्लियर यानी पहले ऐसा होता था कि बैलेट पेपर पे जिसको आप चाहते थे उसके नाम के आगे आप ठप्पा लगाते थे तो वो आपका वोट हो जाता था क्वेश्चन तो वो शीट होता है जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है और उसके सामने सिंबल होता है वो लिस्ट होती है नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज की जाती है ईवीएम और ये बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आप जब भी चेक करें और जब भी इलेक्शन होता है तो न्यूज़पेपर में इसके लिए बहुत कुछ बताया जाता है तो इसमें आराम से सिंपली आप एक बटन दबाएंगे तो आपका वोट सिक्योर हो जाएगा द द द मशीन शोज नेम्स ऑफ कैंडिडेट एंड द पार्टी सिंबल इनडिपेंडेंट कैंडिडेट टू हैव देयर ओन सिंबल अलॉटेड बाय द इलेक्शन ऑफिसर ये मशीन आपको अपने कैंडिडेट के नाम और उसके सामने सिम्बल्स को बताती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इलेक्शन ऑफिशियल एक सिंबल अलॉट करता है उससे वो इलेक्शन कंडक्ट uh, कर सकता है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ऑल द वोटर्स हैज इज टू प्रेस बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट तो यह बता रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट है तो वो उस अपने कैंडिडेट को जो मतलब वोटर्स हैं वो अपने कैंडिडेट को पसंदीदा कैंडिडेट के आगे वाले बटन को दबा देंगे तो इससे आपका वोट हो जाएगा पोलिंग खत्म हो जाता है तो ईवीएम को सील कर दिया जाता है यानी उसे बंद करके सील करके यानी कोई उसको छेड़ नहीं सके सिक्योर प्लेस पे रख दिया जाता है

और वो चेक करते हैं कि काउंटिंग सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है गलत तो नहीं हो रहा द कैंडिडेट हु सिक्योर द दाइस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉमस्टेंसीयर इलेक्टेड और जो सबसे ज्यादा वोट जीतता है उसे हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो जीत चुका है इन अ जनरल इलेक्शन यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द दिटेंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे कह रहे हैं जनरल इलेक्शन में यूजली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द टेक प्लेस इन द सेम डे तो एक ही दिन सीज में काउंटिंग स्टार्ट की जाती है और सेम डे ही उसका जो होता है टेलीविजन चैनल पे रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट और उसका रिपोर्ट ही देते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर एंड इट्स बिकम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट और कुछ ही घंटों बाद में ये डिक्लेयर हो जाता है कि कौन जीतेगा और कौन गवर्नमेंट बनाएगा अब हमने जो कुछ पढ़ा है उसका थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं पर कुछ आइडेंटिफिकेशन बता रखा है कि आपसे जज करिए एक एक्टिविटी ही मानिए ये आइडेंटिफाई द फेयर एंड द अनफेयर इलेक्ट्रॉल प्रैक्टिस द फॉलोइंग इसमें से आपको बताना है कौन सी फेयर प्रैक्टिस है कौन सी अनफेयर प्रैक्टिस है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मिनिस्टर फ्लैग ऑफ अ न्यू ट्रेन इन हिज हिस्स अ वीक बिफोर पोलिंग डे तो ये क्या है अनफेयर है ना आपको बताया था कि कोई भी योजना नहीं बना सकता वो कोई भी माइल स्टोन सेटअप नहीं कर सकता तो एक तरह से ये न्यू ट्रेन uh, को लॉन्च कर रहे हैं तो ये गलत है अ अ कैंडिडेट दैट शी विल गेट न्यू ट्रेन फॉर हर इफ शी इज इलेक्टेड तो एक कैंडिडेट प्रॉमिस कर सकता है तो ये तो सही है कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में प्रॉमिस आप लोग सपोर्टर्स ऑफ कैंडिडेट टेक ओवर द वोटर्स टू अ टेम्पल एंड मेक देम टेक ऑन म जो सपोर्टर्स है वो कैंडिडेट के साथ में वोटर्स को ले जाकर के टेम्पल्स में और वो वहां पर उनको वोट करने के लिए आ, कसम दिलाए तो ये भी गलत है ये तो इलीगल है इसको अनफेयर कहेंगे हम द सपोर्टर्स ऑफ अ कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट इन स्लम्स इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस फॉर वोट तो ये सपोर्टर्स जो ब्लैंकेट्स बांट रहे हैं स्लम्स में स्लम्स यानी जो 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 गढ़ होती है अगर वहां पर आप ऐसे मतलब तो एक तरह से लालच दे रहे हैं कि आप लोग कास्ट करेंगे वोट तो आपको आ, हम ये सब दे रहे हैं तो इसलिए आप कास्ट करना चाहिए हमारी पार्टी को तो ये गलत है दैट इज द अनफेयर तो आपने पहचान लिया होगा अभी हमने कोड ऑफ कंडक्ट में पढ़ा था तो ये बहुत ही ईजी था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट सी सम क्वेश्चंस दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर वन इज Gurbak Singh, a citizen of India, was not allowed to cast his vote as he was not having an election photo identity card. EPIC. What is the purpose of EPIC and what were the options available to Gurbaksh Singh? The main purpose of an EPIC is to make it sure that no one votes for someone else. The main purpose tha EPIC ka wo ye tha ki koi bhi person just person ka naam hai voter list. Mein. वही पर्सन वोट करे तो इसे जो हम कहते हैं कि जो दूसरे लोग वोट कर देते हैं उनको रोकने के लिए था गुरबख्त सिंह कुड हैव शोन एनी अदर वैलिड प्रूफ लाइक राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि वो अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस बता दे तो उसे वोट करने के लिए रोका नहीं जाएगा वट इज इलेक्शन कैंपेन द इलेक्शन कैंपेन इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज कैंडिडेट एंड पोलिटिकल पार्टीज यूज टू सीक सपोर्ट ऑफ इलेक्टर्स टू विन पोलिटिकल ऑफिस इलेक्शन कैंपेन एक सेट एक्टिविटी है कैंडिडेट की पॉलिटिकल पार्टीज की और वे यूज करते हैं इसे सपोर्ट गेन करने के लिए और पॉलिटिकल ऑफिस से जीतने के लिए नेक्स्ट है नेम द पॉलिटिकल पार्टी हु गेव द स्लोगन ये हमने पढ़ा था गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी सेव डेमोक्रेसी गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर एज सेव डेमोक्रेसी वाज गिवन बाय जनता दल गरीबी हटाओ तो नेश इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आईएनसी ने दिया था और सेव डेमोक्रेसी किसने दिया था जनता दल ने व्हाट इज इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट ये पढ़ा था अभी हमने सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडेंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ये नॉर्म्स हैं और गाइडलाइंस हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और ये पॉलिटिकल पार्टीज को होता है और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को होता है इलेक्शन के टाइम में इसे फॉलो करें गवर्नमेंट ऑफिस पोलिंग बूथ वो प्लेस होता है जहां पर वोटर्स अपने वोट को कास्ट करते हैं और ये ज्यादातर लोकल स्कूल हो सकते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस हो सकते हैं नेक्स्ट है हमारा मैं टू दो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन इसमें से कोई दो पॉइंट बताने थे हमें तो यहाँ पर दो पॉइंट है नो कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्कशिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा यानी कोई भी कैंडिडेट किसी मंदिर को मस्जिद को या, को या चर्च को यूज नहीं कर सकता अपने पोलिटिकल या इलेक्शन प्रोपागेंडा के लिए नो पार्टी कैन यूज गवर्नमेंट वहीकल्स फॉर इलेक्शन कोई भी पार्टी अपना गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकती Next question है व्हाट इज एन ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज की जाती है वोटिंग के लिए इसका पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम का और ये उसके अंदर कैंडिडेट का नाम होता है उसका सिंबल होता है जिससे आपको वोट करने में हेल्पफुल होता है वट इज एन वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी इलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शन आर द एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक्सेस है जिसके चारों तरफ डेमोक्रेसी घूमती है इफ द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ऑफ द वोटर कैन चेंज इट्स थ्रू इलेक्शन अब गवर्नमेंट अगर किसी से काम नहीं करती है तो आप लोग तो उसको हटा सकते हैं और वो कौन सा प्रोसेस है इलेक्शन सो गाइज आई एम गोइंग टू एंड अप माई दिस वीडियो आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्थी एट योर होम यू आर Uh, doing a study with enjoy enjoying we and uh, learn new things that helped you you and improve your life and uh, you must be do yoga once again you must be do yoga regularly so god bless you bye